जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत कभी भी आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर पल खुश रहो और जिंदगी के हर पल का आनंद उठाओ। दूसरे के प्रति आपका जो गुस्सा है उसे तुरंत शांत करें और सबको माफ कर दे। परमेश्वर सबका न्याय करता है। दूसरों की गलतियों को अनदेखा करे और अपनी जिंदगी का आनंद ले, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपने मुंह से ऐसी कोई बात ना बोले जिससे दूसरे का दिल दुखे। नीतिवचन 18 में 21 में लिखा गई कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। दूसरों को खुश रखे और खुद भी खुश रहे। अपने धन पर भरोसा ना रखे। नीतिवचन 10:2 में लिखा है कि दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। ना हम जिंदगी में कुछ लाए थे, ना कुछ ले जाने वाले हैं, सब कुछ यही रहे जाने वाला है। परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। यशाया 38:18-19 में लिखा है कि क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है, जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। मत्ती 6:20-21 में लिखा है कि परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। भजन संहिता 118:24 में लिखा है कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। मत्ती 6:15 लिखा है कि और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। भजन संहिता 103:15 लिखा है कि मनुष्य की आयु घास के समान होती है। याकूब 1:11 लिखा है कि क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है, उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। सभोपदेशक 12:7 लिखा है कि तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उत्पत्ति 3:19 लिखा है कि क्योंकि तू मिट्टी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। भजन संहिता 146:4 लिखा है कि उसका भी प्राण निकलेगा, वही भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। सभोपदेशक 12:7 लिखा है कि इसलिए हमारे शरीर पृथ्वी पर लौटते हैं और जीवन देने वाली सांस परमेश्वर के पास लौट आती है। सभोपदेशक 9:4-10 लिखा है कि सो अब तुम जाओ और अपना खाना खाओ और उसका आनंद लो, अपना दाखरस पियो और खुश रहो। यदि तुम ये बातें करते हो तो ये बातें परमेश्वर से समर्थित है। उत्तम वस्त्र पहनो और सुंदर दिखो। अपनी पत्नी को तुम प्रेम करते हो उसके साथ जीवन का भोग करो। अपने छोटे से जीवन के प्रत्येक दिन का आनंद लो। हर समय करने के लिए तुम्हारे पास काम है, इसे तुम जितनी उत्तमता से कर सकते हो करो। कब्र में तो कोई काम होगा ही नहीं, वहाँ न तो चिंतन होगा, न ज्ञान और न विवेक, और मृत्यु के उस स्थान को हम सभी तो जा रहे हैं।